इसके बाद आज के हमारे दूसरे जो अवार्डी हैं एक्सेलेंसी फख्र महसूस होता है जश्न अदब आपको अवार्ड देते हुए गर्व महसूस करता है। इसके बाद एक्सीलेंसी इन उर्दू फिक्शन पर उनका जो काम है वो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, साहित्य एकेडमी भी उन्हें मिला। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर कि आप इस अवार्ड को कबूल फरमाएं और हम आपको अवार्ड देते हुए फख्र महसूस करते हैं। इसके बाद अवार्ड सिलसिले की आखिरी कड़ी है भारतेंदु नाट्य अकेडमी के फाउंडर हैं, ये पहले पद्मश्री हैं यूपी के जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला था। न जाने कितने एक्टर्स को आपने देखा होगा जिन्होंने आपके स्कूल से तालीम पाई। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, बस मैं उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि इस अवार्ड को कबूल फरमाए। वो लखनऊ से आए हमारे दरमियान और मैं सर आपसे वो मौका आ गया कि हम तीन रोज़ा जश्न का इनेकाद कर रहे हैं। आइए दिल की महफिल तेरी यादों से जला दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से जला दी जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए। आइए मैं अपने तमाम मुअज्जज मेहमानों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो शमा रोशन करके दिया रोशन करके आज के इस तीन फजल साहब प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अहमद कमाल साहब जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ये तमाम लोग आपकी ज़ोरदार तालियां हमारे इस आगाज में और हमारे इस खूबसूरत महफिल की यादगार में आप शरीक हों और अपनी ज़ोरदार तालियों से तीन रोज़ा जश्न के आगाज़ का हमें इजाज़त दें कि एक भरपूर तालियां आप बजा कर बताएं कि ये तीन रोज़ा जश्न कितना खूबसूरत और कितना बावकार और कितना खुश बाकायदा तौर पर इस्तकबाल करने के लिए जश्न अदब के रूह रवां जश्न अदब की तहरीक को उजागर करने वाली शख्सियत और अपने खून जिगर से इस सोसाइटी यानी खवातीन हजरात कुछ हमारे काम तो चलते ही रहते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग करते रहते हैं। इसमें से मिर्ज़ापुर एक है, एक मेरी फिल्म आ रही है मिलन टॉकीज 15 मार्च को, उसकी भी तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल देखिएगा ज़रूर उसकी फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम हियर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज विद स्टॉलवर्ट्स एंड विद पीपल आई हैव एडमायर्ड ऑल माई लाइफ। So I will leave this podium right now for them to come and share some thoughts later on Mirzapur. बहुत उम्दा था और आपका ये आइए कार्यक्रम भी बहुत उम्दा। डॉक्टर सचिनानंद जोशी साहब, श्री राजेश रैना जी, जनाब श्री आलोक मेहता साहब और शारिफ रिदौली साहब, क्योंकि उनके घर में अचानक एक डेथ हो गई तो वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। संतोष आनंद एक हिंदी फिल्म हवा पत्ते उड़ाती जा रही है जो उनकी 12वीं किताब है, उसका भी इजरा होना है। वो हमारे मेंटर हैं जश्न अदब के, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों बहुत वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए इसके बाद एक सेशन है पंकज जी का, मुजफ्फर साहब का, तो वह आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे ही नवाजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। मिर्ज़ापुर 2 आएगा जनवरी में, थोड़ा सब्र रखिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। हम लोग को हर चीज़ आजकल फास्ट चाहिए, फेसबुक व्हाट्सएप या क्या। एनीवे मिर्ज़ापुर की बातें बाद में करेंगे, मैं सिर्फ इतना जिसके तारुफ के लिए यही कह सकता हूँ कि मैं तेरा नाम न लूँ तब भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ तब भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अली फजल साहब से कि आप तशरीफ लाएं और चंद ही लम्हों में अपने ख्यालात से अपने एहसासात से चंद ही लम्हों में हम सबको नवाजें। पंकज जी हमने क्या कर डाला।
है। शुक्रिया आप सबका। मैं कहूँ यहाँ ऐसे 5-6 हज़ार मिर्ज़ापुर बन रहे हैं मुझे लग रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हियर फॉर हैविंग अस हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। शुक्रिया आप सबका कि आप इधर जमा हुए। मुझे एहसास नहीं था कि जो हमने काम किया है, जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, उसकी इतनी ज़्यादा रीच है और इतनी पसंद है, इतना बिफोर वी इन्वाइट हमारे दोस्त मुजफ्फर साहब यहाँ पर, उनकी एक बड़ी फेमस मूवी थी उमराव जान, उसका एक गाना था इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। शुक्रिया एहतिशाम साहब। डियर स्टूडेंट्स, इट्स रियली हार्टनिंग टू बी हियर एंड सी सो मेनी hearts throb with the young idols that are emerging before us. ab anjuman ka jahan tak sawal hai, ye anjuman jo hai wo ek dilwalon ki anjuman hai, mohabbat ki anjuman hai, adab ki anjuman hai. to i look forward to talking in the next session in a little more detail, but ye bahut bada sangmeel hai, bahut ahem sangmeel hai अदब की दुनिया में, जो हमारे रंजीत सिंह ने एक मुहिम उठा के चले हैं उर्दू अदब को आवाम तक पहुंचाने का। एक शेर का वर्ड से इस बात को ख़त्म करता हूं। वहशत ने वो भी लूट ली दम भर में दोस्तों, जो मुद्दतों में आई थी शाइस्तगी हमें। तो मैं चाहूँगा, शाइस्तगी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी विरासत है, और शाइस्तगी से ही एक आदमी में हमदर्दी पैदा होती है, जिसके आप नुमाइंदे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर यू आर हियर टू लिसन टू ऑल द आर्टिस्ट एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज, उनको सुनने आप आए, आप हमें सुनने नहीं आए, और इसी वजह से मैं आपका वक्त नहीं लूँगा। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हमारी शुरुआत है। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी यूनिवर्सिटी को 5th highest रैंकिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये यूनिवर्सिटी इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस दुनिया के इस कोने में नंबर वन पर पहुंच जाएगी। और वो पहुंचेगी इस तरह की शख्सियत के आने के। थैंक यू। तो ये हम लोग जो जिस मंजिल पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सब आप लोगों की काविशों की वजह से हो रहा है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। सब आप लोग हैं, आपके साथ हैं, आपके टीचर्स हैं, जिनकी मेहनत से हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो छोटी सी कोशिश हमदर्द के साथ, जश्न अदब के साथ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम अस, आप बिल्कुल राउंडेड ऑफ एज अ वंडरफुल सिटीजन ऑफ अ ग्रेट नेशन बन के निकले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दुनिया की एक खूबसूरत कड़ी, एक हमाजहत शख्सियत, एक बावकार शख्सियत, मुद्दतों हिंदी और उर्दू को अपने खूने जिगर से सींचने वाली शख्सियत, और हर वक्त अपनी गीतों और अपनी नज़मों के हवाले से इंसानियत, उखुवत, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम पहुंचाने वाली शख्सियत, मैं दरख्वास्त गुजार हूं प्रोफेसर आली मर्तबत अशोक चक्रधर साहब से, कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहाँ फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। इस्तकबाल कीजिए जनाब प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब। बहुत प्यारे और खूबसूरत तालिब इल्म, दमकते हुए सभी चेहरों को इस कुंभ में नहाने की दावत देता हूँ। कुंभ तो इलाहाबाद में हो रहा है, लेकिन यहाँ ये जो संगम है कलाओं का, जिसमें साहित्यकार भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और भी सामने पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संपादक हैं, शायर हैं,
तो ये सिर्फ तीन नदियों का नहीं, कला और संस्कृति की जितनी भी नदियां हो सकती हैं उनका संगम है। और जब तालियां बजा देते हैं तो लगता है कि बहुत ज्यादा डुबकी लगा चुके हैं इसलिए खुश हैं। ये तीन दिन आप पता ना लगा पाएंगे कि कैसे गुजर गए, क्योंकि यहाँ जो गुफ्तगू होनी है, यहाँ जो बातचीत होनी है, सबसे अच्छा किया पंकज भाई ने कि आगे आने वाले सत्र का हवाला दे के बैठ गए। मिर्ज़ापुर में भी ऐसा ही किया था इन्होंने, वहाँ इनके डायलॉग बहुत कम थे, निगाहों से ऐसे कह दिया तो अगला समझ जाता था कि क्या करना है। क्रूरता का, मोहब्बत का, क्रुएलिटी का ऐसा अद्भुत संगम आपने कह दिया। बैठे हमदर्द, मेरा ख्याल है कि जामिया हमदर्द नाम से ही लगता है, इस समय देश में हमदर्दी की भी ज़रूरत है और सुकून की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा क्या कहें, जैसा बताया गया जामिया हमदर्द जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, खास करके मेडिकल में, लोगों को नई जान देना, नई पीढ़ी को तैयार करना, इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा धर्म कुछ हो नहीं सकता। और मैं इसीलिए दो लोगों को दुनिया में मानता हूँ जो एक तो न्याय देते हैं, चाहे वो वकील हों या जज हों या फिर डॉक्टर बनाते हों, जो लोगों को जान भी दे सकता है, जान ले भी सकता है। तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास करके जश्न अदब, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रंजीत जिस तरह से, जिसे कहते हैं वन मैन शो का ज़माना वैसे तो है, लेकिन फिर भी वो अपने बल पर और उनके साथ हमदर्द को लेके या इंदिरा गांधी केंद्र के साथ मिलकर के काम करने का, मैं उनको भी बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारक देता हूँ। इस तरह से नई पीढ़ी को और आगे अपने अदब के साथ, अपनी फ़न के साथ और ऐसी शायरी फिल्मकारों के साथ जोड़ सके, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत मुबारक और मुझे सम्मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। नापी जाती कैंपस से उसकी ऊंचाई नहीं नापी जाती, बिल्डिंगों से उसकी ऊंचाई नहीं नापी जाती, टीचर्स और स्टूडेंट से उसकी ऊंचाई नापी जाती। मुझे बहुत खुशी है कि इस शानदार इंस्टीट्यूशन के शानदार स्टूडेंट्स और उससे शानदार टीचर्स के बीच में मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।